तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात करी थी डे फोर वाले में कि फ्रिक्शन वहाँ का पार्ट रह जाता है, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन को करेंगे और जो प्रॉब्लम्स हैं लास्ट टॉपिक्स की उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को जो है वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपका जो है जो फिजिक्स को रिवाइज करने वाला जो एक रह जाता है रिगरस सा काम, वो थोड़ा सा आसान हो रहा होगा। यही इन वीडियोज़ का मकसद है, जो कि ऐसा लगता है कि ये अपने मकसद में सफल हो रहे हैं। आइए बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन जो है वो फोर्स होता है जिसकी कोशिश होती है मोशन को अपोज करने की, लेकिन ये हमेशा मोशन को अपोज ही नहीं करता है, समटाइम्स इट मे हेल्प द मोशन ऑल्सो। ये बात उठती है यहाँ से जब पूछा जाए कि साहब डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स किधर को होगा, तो बच्चों जब छूटते पूछते हैं तो बच्चों का छूटते ही आंसर आता है कि इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन ये बात पूरी सच नहीं है, कभी कभी ये इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन भी लगता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ताकि जो है कि ये सरफेस हो गया, इस पे ये बॉडी हो गई, सिर्फ ये सरफेस हमेशा फिक्स रहेगा, ये बॉडी मूव करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे को लगेगा। लेकिन अगर ये दोनों चीजें मूव कर सकती हैं तो कभी जो है रिलेटिव मोशन इस तरफ को पॉइंट करेगा, कभी इस तरफ को पॉइंट करेगा। तो ध्यान रखें कि डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, नॉट एब्सोल्यूट मोशन। तो ये फ्रिक्शन के जो है प्रकार होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब हो गया जब बॉडी रुकी हुई है, हम फोर्स लगा करके उसको लगातार लगातार आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा आता है जबकि हम फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाते हैं और बॉडी आ जाती है जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन। उस समय जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कभी कभी स्टैटिक फ्रिक्शन देते हैं, कभी कभी लिमिटिंग फ्रिक्शन देते हैं, पर ध्यान रहे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होती है। इसको म्यू एस कहते हैं, इसको म्यू एल कहते हैं, इसको म्यू के से शो करते हैं, इसको म्यू आर से शो करते हैं। और ध्यान रहे कि ये तो दोनों एक ही चीज है, म्यू एस सबसे बड़ा होता है, फिर म्यू के होता है, फिर म्यू रोलिंग होता है। बॉडी जब रेस्ट में थी, हम फोर्स लगा करके बॉडी को मोशन में लाने के चक्कर में लगे हुए थे, तो ये एफ एस लग गया और एफ एस बराबर म्यू एस एन हो गया, और ये एन बराबर एम जी है तो ये म्यू एस एम जी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि ये 10 है, ये 10 है, ये 0.4 है, तो 10 हम 100, 0.4 40 न्यूटन हो गया। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज 40 न्यूटन। तो जब हम यहाँ पे 30 लगाएंगे तो फोर्स यहाँ पे ये भी 30 लगाएगा, हम 35 लगाएंगे ये भी 35 लगाएगा, 39 लगाएंगे ये भी 39 लगाएगा, ये हम 40 लगाएंगे ये 40 लगाएगा, और जैसे ही 41 करेंगे ये 40 ही रहेगा और ये बॉडी इधर को चल पड़ेगी। तो ये जो 40 न्यूटन आया था, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये इतना है, ये इतना है, ये इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकलती है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग अप टू ए सर्टेन लिमिट। एक समय तक के, एक सीमा तक के ये सेल्फ एडजस्ट करता है, उसके बाद में बॉडी को चलना ही होता है। और जब ये बॉडी चल पड़ती है तो जब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आता है, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। अब यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पे एक उदाहरण लेंगे। मान लीजिए खूब भारी सी हमारे पास अलमारी है या बॉक्स है, 1000, 1500, 2000 केजी का, किसी रफ सरफेस पे रखा हुआ है और कहा गया इसको आपको खिसका करके ले जाना है। ये अगर सरफेस बिल्कुल चिकना होता तब भी ये हमारे वश की बात नहीं थी, क्योंकि ये बहुत भारी है। फिर हम करते क्या हैं, हम यहाँ पे उस बॉक्स के नीचे इस तरीके की एक आइडियोलॉजी है, इस तरीके की एक आइडियोलॉजी, ये दो अलग अलग डायमीटर के एक छोटा एक बड़ा लोहे का हम सर्किल ले लेते हैं, बीच में लोहे के छर्रे डाल देते हैं, इनको बॉल बियरिंग कहते हैं, सॉलिड बॉल्स हैं ये, और इनको बीच में डाल देते हैं, ये बॉल बियरिंग्स हो जाते हैं, जो बॉल्स को बियर करे वो बॉल बियरिंग्स है। और ये चार हम लगा देते हैं चारों कोनों के नीचे, और आराम से इसको खिसकाते हुए बॉक्स को ले जाया जा सकता है
क्या किया आपने, क्या बॉक्स का वजन कम कर दिया? नहीं। क्या सरफेस का नेचर बदल दिया? नहीं। हमने यहाँ पे टाइप ऑफ फ्रिक्शन बदल दिया, नाउ इट इज रोलिंग फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू बहुत 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 कम होती है। म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे एक थोड़ी सी लिटरेरी भाषा में बात कही जाती है, किसी भी काम को स्टार्ट करना मुश्किल होता है, एक बार जब स्टार्ट हो जाता है तो उसको कंटिन्यू करना आसान काम होता है। ये बात फिजिक्स यहां से बताती है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो है न्यूमेरिकल जो है एस्पेक्ट पे आप आएंगे। ये रखा हुआ है एक बॉक्स जिसका मास एम है, वेट एम जी, नॉर्मल रिएक्शन ये एफ एल हो गया, या इसको एफ एस मैक्सिमम कह सकते हैं, और ये म्यू एस एन के बराबर हो जाएगा। ये आर आर यहाँ पे आपको एक और चीज के बारे में बताता है कि दिस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो नेम एज कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ये तभी लगता है जब दो सर्फेसिस का कॉन्टैक्ट होता है। अब हम यहाँ पे इनकी थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। आर कॉस थीटा, इसका रिजॉल्व पार्ट इधर, रिजोल्यूशन मैंने जो है वेक्टर वाले वीडियो में बताया हुआ है, जरा भी डाउट हो वहां पे जाके इसको क्लियर करेंगे। आर कॉस थीटा को अगर देखा जाए तो ये एन से बैलेंस हो रहा है, आर साइन थीटा म्यू एन से बैलेंस हो रहा है। डिवाइड कर दिया जाए इन इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यू विल गेट म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन विच इज इन बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट फोर्स। और इनको अगर स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर एन स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर, और एन यहाँ से कॉमन निकल आएगा जो कि एन एन जी के बराबर होगा, तो ये अंडर रूट में वन प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आइए आपको एक नई चीज बताते हैं, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। इसको यहां से समझना चाहिए, ये सरफेस जो है ये पहले इनिशियली ऐसे था, ये वाला फिगर दिमाग में मतलब सोचे कि ये इंक्लाइन प्लेन प्ले ऐसे रखा था और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा था। क्या ये ऐसे ही रखे ये ब्लॉक अपनी जगह से सरक सकता है? आंसर है नहीं। अगर इसको सरकाना है तो हमें इस प्लेन को थोड़ा थोड़ा सा उठाना होगा, उठाते गए ऐसे लेकर के आए और देखा कि एक जब ऐसा एंगल आया है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कि ये जस्ट सरकने लगा है नीचे को, जिस समय ऐसी पोजीशन आती है उसी को नाम देते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब हम थोड़ा सा और बुनियादी तौर पे जाएंगे कि ये पहले सरक क्यों नहीं रहा था। इसलिए नहीं सरक रहा था क्योंकि ये फाई की वैल्यू जीरो थी और एम जी साइन जीरो जीरो हो जाएगा और यहाँ पे नीचे आने की कोई टेंडेंसी है ही नहीं, कोई कारण ही नहीं। जैसे जैसे ये ऊपर को उठता गया वैसे वैसे मैं देख रहा हूं कि एम जी साइन फाई जो कि ड्राइविंग फोर्स है ब्लॉक को नीचे लाने का, धीमे धीमे करके इसकी वैल्यू बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है? ये मैथ्स की बड़ी छोटी सी बात है लेकिन पूरे मैथ्स में और पूरी फिजिक्स में काम जो काम आती है कि एंगल जैसे जैसे बढ़ता है बिटवीन 0 टू 90 बढ़ता है साइन, बढ़ता है टैन, घटता है कॉस। साइन 0 0 है, साइन 91 है, कॉस 0 1 है, कॉस 90 0 है, टैन 0 0 है, टैन 90 इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं कि जैसे जैसे बढ़ता है एंगल, बढ़ता है साइन, बढ़ता है टैन, घटता है कॉस। तो ये फाई बढ़ता गया तो एम जी साइन फाई बढ़ता गया, नीचे को आने की टेंडेंसी बढ़ती गई। अब एक और बात देखें कि ये इसको अपोज करने वाली जो टेंडेंसी है वो है म्यू एन, एन बराबर एम जी कॉस फाई, और ये जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया कॉस फाई की वैल्यू कम होती गई, यानी कि रोकने वाली टेंडेंसी जो है वो धीमे धीमे करके कम होती गई, जो कि शुरुआत में बहुत ज्यादा थी। और जब ये आपस में बराबर हो गए, एन बराबर एम जी कॉस फाई, म्यू एन बराबर एम जी साइन फाई, डिवाइड कर दिया जाए तो म्यू बराबर टैन फाई आ रहा है और फाई को कह रहे हैं टैन इनवर्स म्यू। इसी को नाम दे रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज। इनका सोल्यूशन आप यहां देख सकते हैं कि वेलोसिटी आपको गिवन है और आपको पहुंचना है पोजिशन पे। तो अब ये बात जानते हैं कि ये एस हो गया, ये वी हो गया, ये ए हो गया, डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो, वेलोसिटी पे आना हो तो आपका रास्ता डिफरेंशियल का होके जाता है, वेलोसिटी दिया गया हो एक्सेलरेशन पे जाना है तो रास्ता डिफरेंशियल का होके जाता है, उल्टा अगर आना है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तो रास्ता इंटीग्रेशन का है, और यहाँ पे भी रास्ता इंटीग्रेशन का है। तो यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी गई है, पोजिशन पे पहुंचना है, मैंने यहाँ पे वेलोसिटी को डी एक्स अपॉन डी टी रखा,
डीटी को इधर ले गए, यहाँ पे रख करके इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट यहाँ पे 0 से 1 है, यहाँ पे 0 से x है, आफ्टर इंटीग्रेशन एंड पुटिंग द लिमिट्स वी आर गेटिंग v0 + g/2 + f/3 व्हिच इज ऑप्शन सेकंड। यहाँ पे आ जाए, v बराबर अल्फा अंडर रूट x है, dx / dt बराबर अल्फा अंडर रूट x, dx / अंडर रूट x तो वेरिएबल को सेपरेट कर ले, dx / अंडर रूट x बराबर अल्फा dt, इसको रख करके अब इंटीग्रेट करेंगे तो हम पा रहे हैं x बराबर अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2 और बाई 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, लेकिन हमसे यहाँ पर रिलेशन सिर्फ x का रिलेशन t स्क्वायर के साथ पूछा गया, t के साथ पूछा गया है, तो x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर एंड द करेक्ट आंसर इज a। तो फ्रिक्शन के बारे में जैसा अभी हमने आपसे बताया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग अप टू ए लिमिट। मैंने कहा था मान लो एक मिनट के लिए कि जो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 40 न्यूटन है, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया हुआ है, एंड कोई फोर्स तुम नहीं लगाओगे तो फ्रिक्शन भी कोई फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि आप जब जो है काम करना शुरू करते हो तो रिटार्डिंग फोर्सेस तभी आते हैं, तुम खुद कुछ नहीं करोगे, कोई रिटार्डिंग फोर्सेस तुम्हारे आमने सामने अगल बगल दाएं बाएं नहीं आने वाले। तुमने लगाया 10 न्यूटन वो भी 10 न्यूटन, तुमने लगाया 20 न्यूटन 20 न्यूटन, 35 न्यूटन 35 न्यूटन, 40 न्यूटन 40 न्यूटन, तो जितना तुम उतना ये, यानी कि जितना ये परपेंडिकुलर उतना ही ये बेस होता चला गया, तो इसका मतलब ये वाला एंगल हर हाल में होगा क्या 45 डिग्री। यहां पे आने के बाद आप पहुंच गए हैं लिमिटिंग स्थिति में, यही है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब बॉडी जो है चलने की स्थिति में आ गई है तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, और जब चलना शुरू कर देगा जिसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगी और ये अभी कांस्टेंट रहेगी। इसको ग्राफ से इस तरीके से दिखाया जाता है बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम आपको फ्रिक्शन के दिखाएंगे। यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है और वेट इसका mg है, वेट mg है तो हमने फोर्स लगाया हुआ है कैपिटल F n mg म्यू n, और n बराबर mg, F बराबर म्यू n और n बराबर mg तो म्यू mg हो गया। हमें निकालना है एक्सेलरेशन, अगर नेट फोर्स निकालो, अगर नेट फोर्स ये रहा और चूंकि ये खींच के ले जाएगा इसलिए यही डबल एरो लगेगा, डबल एरो मेरा मतलब हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन रहता है। तो ये जो है आपका ड्राइविंग फोर्स, ये अपोजिंग फोर्स नेट फोर्स अपॉन में नेट मास इज द एक्सेलरेशन। आ जाए इस वाले केस में, यहाँ पे ये रखा हुआ है ब्लॉक और इसको छोड़ दिया गया है ऊपर से, एंड द सर्फेस इज रफ, सर्फेस इज रफ, तो ये एम जी का इधर को रिजोल्व पार्ट। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ये रिजोल्व का पार्ट करने में बिल्कुल ठीक हो गए होंगे, कंफर्टेबल होंगे। mg का इधर को रिजॉल्व पार्ट mg cos phi, इधर को रिजॉल्व पार्ट mg sin phi। इस समय ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है कौन, mg sin phi, ये अपोजिंग फोर्स हो गया mu n, तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन होगा, mg sin phi माइनस mu n, mg sin phi माइनस n की जगह पे mg cos phi, mu mg cos phi, m कट जाएगा और a नेट बराबर g sin phi माइनस mu cos phi। एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्चुअल में ये पूरा सिस्टम समझिए, इस इंक्लाइंड प्लेन पे जो कि रफ सरफेस है, यहाँ से ब्लॉक को ऊपर को फेंक दिया गया है, स्लाइड करते हुए जा रहा है, स्लाइड करते हुए जा रहा है, तो ये पूछा जाए आपसे के साथ कि ये एक्सेलरेट हो रहा होगा या रिटार्ड हो रहा होगा, ऑब्वियस है कि रिटार्ड ही हो रहा होगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, और ध्यान से देखें तो एम जी साइन थीटा तो नीचे लग ही रहा है क्योंकि सरफेस के कॉन्टेक्ट में है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी नीचे को लग रहा है म्यू है, कितने फोर्स से ये ऊपर जा रहा होगा, कैन विल बी गिवन बाय mg sin थीटा वेट का एक कंपोनेंट प्लस फ्रिक्शनल फोर्स म्यू n, और जहां पे n बराबर है mg cos थीटा, तो ये जो आएगा ये रिटार्डिंग फोर्स आएगा, तो m into a जब आप करोगे यहां पे तो mg sin phi म्यू mg cos थीटा, सॉरी mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा में जो m है वो कट हो जाएगा, और रिटार्डेशन जो आएगा नेट वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये हो गया आपका नेट रिटार्डेशन का फोर्स। हमें ये देखते रहना चाहिए कि ब्लॉक की टेंडेंसी किधर को है, जिधर को चलने की टेंडेंसी होगी उसी तरफ को उसके अपोजिट चला जाने वाला है फ्रिक्शनल फोर्स, प्रोवाइडेड कि जो जिस सरफेस पे ये काम हो रहा है वो सरफेस नहीं हिल रहा, अदरवाइज रिलेटिव मोशन आ जाएगा। ये बातें हम लोग जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स है उसमें हम लोग और बेहतर से देख सकें। हाँ तो बच्चों सोल्यूशन के लिए आप लोग यह रेडी हो सकते हैं। पहले सवाल में आ जाए, देख रहे हैं n प्लस वन वन ईयर स्केल डिवीजन बराबर n मेन स्केल डिवीजन, इस सम का फॉर्मूला याद रखें कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वन ईयर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ 1 एमएसडी, ये दोनों सवाल एक जैसे हैं। यहाँ पे आपने निकाला हुआ है 1 स्केल डिवीजन की वैल्यू
n upon n plus 1 MSD, 1 minus n upon n plus 1 into A, and the correct option is second. यहाँ पे लौट के आएंगे 8 सेंटीमीटर, सवाल हम आपको ये पहले पढ़ा चुके थे. 1 MSD बराबर 1 upon 10 सेंटीमीटर, this is the value of 1 MSD, keep it in mind. सवाल की खास बात यहीं पे है. 1 BSD बराबर 8 by 10 MSD, 0.8 सेंटीमीटर into MSD की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर, 0.08 सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट आप जानते हैं 1 MSD माइनस 1 BSD, 0.1 माइनस 0.08, 0.02 सेंटीमीटर. करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड. फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 23.023, जो हमने आपको पॉइंट्स बताए थे उसमें से आप देख सकते हैं जीरो पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बीच में आया है, सबके सब काउंट हो जाएंगे. करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. इस तरीके यहाँ पे ये 5 आ गया, 5 अभी आंसर करेक्ट नहीं हुआ. 0.0006 है यहाँ पे, ये सारे के सारे जो पीछे से जीरो है ये कोई काउंट नहीं होने वाले, सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गया. 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 23, हमने आपको वीडियो में बताया था कि 10 की पावर यहाँ पे माइनस में प्लस में कुछ काउंट नहीं होती, यूनिट बदल जाता है और सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ता. सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2. जितने लोगों के भी जो है तीनों करेक्ट हो गए हैं वो लोग अपने अपनी जो है पीक ठोक सकते हैं, ताली बजा सकते हैं. एंड नाउ बी रेडी फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस. Now ready for the next few questions. ये सवाल आपके सामने रखे हुए हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए. और 5 सवाल हैं, जो भी आपको ठीक लगता हो ऑप्टिमम टाइम ले लें, उनको सॉल्व करें. मैं एक बार पढ़ देता हूँ. रेडियस ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर आर बराबर 0.021 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. ध्यान रहे यहाँ पे हमको सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेसेस का ख्याल रखना पड़ता है. ये बातें आपको मैं वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ. ऑप्शन आपके सामने गिवन है, ए बराबर 1.0 मीटर प्लस 0.2 मीटर, बी बराबर 2.0 मीटर प्लस 0.2 मीटर. व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू फॉर अंडर रूट ए बी. फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस, दे रखा गया है 10.01 सेंटीमीटर, मास 4.692 kg. क्या हो सकती है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सिंपल पेंडुलम में एरर हो गई है लेंथ और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नापने में 2% की और 4% में की, तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड कितना होगा. डायमेंशन ऑफ ई स्क्वायर अपॉन 4πε0hc. सारी की सारी जो चीजों की जो यूजुअल मीनिंग होती है वही है, ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट. शुरू हो जाए स्क्रीन शॉट लेकर के, क्योंकि अगले ही आपको शॉर्ट में इनके सोल्यूशन मिल जाएंगे. प्लीज शुरू. चलिए अब जो है आने वाले सवालों के सारे सवालों के सोल्यूशन देखिए. सोल्यूशन जो है, पहला सवाल था यहाँ पे एरिया की जगह पे आप करोगे पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू यहाँ पे जो है ध्यान से देखें डिफरेंट दे रखी गई है, इनटू आर स्क्वायर. सॉल्व करने पे ये पूरी वैल्यू आ रही है. अब हमें यहाँ जानते हैं यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है, तो फाइनल रिजल्ट हमको इस तरीके से रिपोर्ट करना होगा कि जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर पार्टिसिपेट करने वाले डिजिट में जिसमें लीस्ट हो. तो यहाँ देखिए यहाँ पे सबसे कम है कितने कहेंगे 2, यहाँ पे है 4. 2 तक ही आप सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं. और ये सॉल्व होने पे आएगा क्या कहेंगे, हमको सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, बाकी सब में देख सकते हैं सबसे ज्यादा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा है, 4 है यहाँ पे, 4 है यहाँ पे, 3 है. एंड द ओनली दिस इज द रिजल्ट विच इज हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर. करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. और एक्चुअल में ये तो लगाने वाली बात है, मैंने लगा के दिखाया क्योंकि ये वीडियो लेक्चर है, पूरा दुनिया इसको देखेगा, इसलिए हमारे इसको हमें लगाना जो है मजबूरी थी. लेकिन अगर ये मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं कतई कोई सवाल मैं यहाँ पर लगाता नहीं, इवन पेन भी नहीं उठाता. मैं सिर्फ ये देखता कि पाई आर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई होने वाले मामला है, तो हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर देख करके और ऑप्शन देख करके हमको हिट कर देना चाहिए था. क्योंकि यहाँ पे कभी भी किसी भी एग्जाम ने इस तरीके इस जगह पे आकर के जंबलिंग नहीं करी है, खेल नहीं किया है, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन रखा गया है आज तक हमेशा. और क्या है दूसरा सवाल है, गिवन ए बराबर इतना है, यानी इसका मतलब हो गया कि 1.0 मीटर तो इसकी वैल्यू है प्लस माइनस 0.2 मीटर, यानी कि 0.2 मीटर ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, इसका मतलब ये होता है. ये यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, ये बातें सिर्फ सीखने वाली है. और 0.2 अपॉन 1 कर देते हैं तो ये रिलेटिव एरर है, जिसका दूसरा नाम फ्रैक्शनल एरर है. और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंटेज एरर है. यहाँ पे कुछ डायमेंशन दे रखी गई, पूछा गया व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ फॉर अंडर रूट ए बी.
तो पहले तो मुझे ए बी के एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी चाहिए। जो ए बी के एब्सोल्यूट वैल्यू आई, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 1, इसकी 2, तो 1 इंटू 2 वैल्यू आ गई 1.414। अब हम चलेंगे यहाँ पे, मान लिया जाए कि अगर ये x बराबर है अंडर रूट में ए बी, तो इसका अगर हमें एरर फॉर्मूला बनाना होगा तो डेल्टा x अपॉन x बराबर हाफ डेल्टा a अपॉन a प्लस हाफ डेल्टा b अपॉन b। ये मैंने आप लोगों को जो है परसेंटेज एरर एरर वाले वीडियो में बताया हुआ है। सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू भी आएगी, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को लिखना हो तो x प्लस माइनस डेल्टा x करके लिखेंगे, तो 1.4 मीटर प्लस माइनस इतना आएगा। एंड करेक्ट आंसर इज 4th। आ जाएंगे अगले सवाल पे। फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10.01 सेंटीमीटर, मास इतना दे रखा गया है। ध्यान रहे यहाँ पे एरर 0.01 है और एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे 10.01 करके दे रखा गया है। यहाँ पे एरर हो जाएगा, डेसिमल के तीन प्लेस तक नापा है इसलिए 0.001 हो जाएगा और एब्सोल्यूट वैल्यू ये रही। सबसे पहला काम आपको करना चाहिए डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास आपने इतना ले लिया और वॉल्यूम 10.01 का। तो यहाँ पे जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी गई है रेडियस की और मास की, आप देख रहे हो यहाँ पे एरर 0.01 की रहेगी, यहाँ पे एरर 0.001 की रहेगी। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आप पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेंसिटी निकाल लें मास अपॉन वॉल्यूम करके, यह रहेगा। और फिर डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम करने के बाद आपको एरर फॉर्मूला बनाना होगा, तो डेल्टा रो अपॉन रो बराबर डेल्टा एम अपॉन एम। आप जानते हो वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, तो रेडियस के नाम पे 3 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर आएगा। ध्यान रहे डेंसिटी आप वैल्यू निकाल चुके हैं, तो डेल्टा रो अपॉन रो बराबर यहाँ पे सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी, रो से मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू आएगी 3.59 केजी पर मीटर क्यूब। बहुत ही शानदार जानदार सवाल, यहाँ पे ऐसे सवालों का पैटर्न दिमाग में रखेंगे। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला आप जानते हैं, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी है, और एल और जी में मेजरमेंट में गलती हो गई है 2% और 4% के। सीधे फॉर्मूला लिखें चाहे ना लिखें, क्योंकि हमें इस समय बहुत कम होता है, कम समय में अधिक सवाल लगाने होते हैं। यहाँ पे एरर फॉर्मूला यहाँ पे सीधे फिट करेंगे, हाफ डेल्टा एल अपॉन एल प्लस हाफ डेल्टा जी अपॉन जी, क्वाइट सिंपल, हाफ इंटू 2% प्लस हाफ इंटू 4%, आंसर इज 3%। प्लॉट क्या है यहाँ पे, डायमेंशन निकालने को कहा गया है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एस सी की। ऐसे सवालों में 99.9% केसेस में आंसर डायमेंशन लेस होता है। ऐसे सवालों को लगाने की अगर आपने कोशिश करी तो आप यकीन करें आप कम से कम 5 से 7 मिनट का समय गंवाएंगे, और इतने समय में कोई भी दूसरा स्टूडेंट कम से कम 20 सवाल नीट में और कम से कम 6 सवाल जेई में लगा करके आपसे आगे बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसी कोई गलती ना करें, यहाँ पे फिट करें। कुछ यहाँ पर जो है टेक्निक सेट हो रही होगी, क्या टेक्निक है यहाँ पे, फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट का याद होना चाहिए। यू बराबर 1/4πε0 क्यू1 क्यू2 अपॉन r। क्यू1 क्यू2 को अगर आप स्मॉल ही कर दें तो यहाँ पे e स्क्वायर अपॉन 4πε0 r आ जाता है, बराबर e है। और यहाँ देखा जाए तो हमने जानबूझ के u को e से शो किया हुआ है, तो e स्क्वायर अपॉन 4πε0 की वैल्यू आ जाएगी e इंटू r अपॉन sc। e sc जानते हैं आप, ये फोटोन की एनर्जी से रिलेटेड है। E बराबर आप रखोगे एस सी बाई लैमडा इंटू आर अपॉन एस सी, एस सी एस सी कट, आर अपॉन लैमडा, ये भी लेंथ कट हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। ऐसे सवालों में ऐसी ही टेक्निक लगाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ तो बच्चों, आपके पास सामने जो है नई 3 प्रॉब्लम्स हैं, इनको देख लें एक बार, नोट कर लें और शुरू हो जाए। इनका सोल्यूशन कितनी जल्दी और कितना एक्यूरेट आप दे सकते हैं इस बात को चेक करें। डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट, फाइंड डायमेंशन ऑफ a अपॉन b फ्रॉम p बराबर a माइनस t स्क्वायर अपॉन bx। p प्रेशर है, x डिस्टेंस है, t टाइम है। यहाँ पे सवाल जेई का पूछा गया, ये यहाँ पे मैच द लिस्ट कहा गया है, कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लैंक कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी, ये 4 डायमेंशन है। और यहाँ बताना है कि जो है कि a का डायमेंशन किससे मैच करेगा, बी का किससे करेगा, सी का किससे करेगा, डी का किससे करेगा। स्क्रीनशॉट ले लें और अटेम्प्ट करें। मैं थोड़ी देर में आपको इसका अगले ही पेज में, अगले ही सीन में आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। नाउ रेडी फॉर द सलूशन बॉयज एंड गर्ल्स। डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है सी बराबर 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इज permeability of the free space and epsilon naught is permittivity of the free space,
स्क्वायर करोगे तो बच्चों यहाँ पाओगे c स्क्वायर बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसी का हमको डायमेंशन निकालना है। c स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड चाहे कुछ भी हो किसी की भी हो, डायमेंशन एल टी माइनस वन ही रहेगा, उसका स्क्वायर करोगे तो आएगा एल टू टी माइनस टू, सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड सॉरी c थर्ड। फाइंड डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी फ्रॉम, ये है कहा जाएगा यहाँ पे कि p बराबर, इसको हम जरा ब्रेक कर ले रहे हैं, तो p बराबर a अपॉन बी एक्स माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। और डायमेंशन की एक खास नियम है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन है वही डायमेंशन राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए, भले ही उसके कितने भी पार्ट हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर x बराबर a प्लस b प्लस c प्लस d है तो जो डायमेंशन x का है वही a का हो, वही b का हो, वही c का हो, वही d का हो, ये हमको डायमेंशन सिखाता है। तो यहां से हमने इसको ब्रेक कर लिया तो p बराबर a अपॉन बी एक्स हो गया, हमें a अपॉन अपॉन b का डायमेंशन निकालना था, तो ये प्रेशर इंटू x हो जाएगा। प्रेशर का डायमेंशन जानते हो बच्चों, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू एक्स के लिए एल हो जाएगा, एंड दिस इज द डायमेंशन एम टी माइनस टू, ये हो गया ऑप्शन करेक्ट सेकेंड। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में जो है आपको बहुत कुछ अच्छे से सीखने को मिलेगा कि इन चारों का, चार फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी गई हैं और चार ही डायमेंशन दे रखी गई है। सवाल इस बात का है कि क्या हम ये चारों निकालेंगे या कुछ थोड़ी सी टेक्निक लगा लेंगे। हम यहाँ पे शुरू करते हैं ए वाले का डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। ए है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला पी वी बराबर के टी हो गया, के बराबर पी वी अपॉन टी हो गया, के का जो हमने डायमेंशन निकाला तो एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ए का डायमेंशन जो है एस से मैच कर रहा है। अब यहाँ पे अगर सिर्फ यहाँ पे अगर एस ना होता तो मैं यहीं पे सवाल को रोक देता, लेकिन चूंकि सी में भी एस है इसलिए अभी हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने डायमेंशन निकालना शुरू किया बी वाले का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, एफ बराबर नीटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। नीटा का डायमेंशन निकाला हमने तो एफ एम एल माइनस वन टी माइनस वन आ गया, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो बी का डायमेंशन क्यू से मैच कर रहा है, तो ए का डायमेंशन एस से, बी का डायमेंशन क्यू से, सवाल यहीं पे रोक दिया जाएगा क्योंकि ये चीज कहीं पे भी और आगे नहीं कंटिन्यू की गई है, इसलिए हमारा सवाल यहीं पे हो जाता है, हम बाकी का जो डायमेंशन नहीं निकालेंगे और यहीं पे हम पूरे नंबर ले लेंगे। नाउ हियर आर टू क्वेश्चंस, डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लेटेंट हीट एंड कैपेसिटेंस आर, ये ऑप्शन रहे आपके। दूसरा सवाल है पी बराबर अल्फा अपॉन बीटा ई की पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा, जहां पे पी प्रेशर है, जेड डिस्टेंस है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा टेम्परेचर है। आपको यहाँ पे डायमेंशन निकालना है बीटा का, बीटा का डायमेंशन आपको निकालना है। आपको शुरू हो जाए, थोड़ा सा समय ले और थोड़ा मन से काम करें। ओके, नाउ बी रेडी फॉर द सॉल्यूशन डियर। कहा गया है डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। यहाँ पे कोई शॉर्टकट लग नहीं पाया क्योंकि ये सवाल में तीनों ऑप्शन में जो है यहाँ पे ये फॉर्म चलते चले गए, और ये आई ओमेगा, ओमेगा बराबर बी अपॉन आर, ये हो जाएगा एम बी आर एम एल टू टी माइनस वन आ गया। क्यू बराबर एम एल है, क्यू एनर्जी है, हीट है, हीट एनर्जी हो चाहे लाइट एनर्जी हो चाहे कैसी भी एनर्जी हो, हमेशा डायमेंशन सभी का एक जैसा ही रहता है। तो ये आ जाएगा एल टू टी माइनस टू, यह ध्यान से दे सकते हैं। सी और डी अभी तक के लड़ रहे हैं आपस में। सी बराबर क्यू अपॉन बी, सी कैपेसिटेंस, क्यू चार्ज, बी वोल्टेज, और निकालने के बाद हम देख रहे हैं कि एम माइनस वन, बाकी सब कुछ तो जो है दिखाई पड़ रहा है, पकड़ने वाली बात, थोड़ा सा समय बचाने वाली बात, यहाँ पे एम माइनस वन दिखता है, इस वजह से बाकी का हमने निकालने में समय बचाया है और करेक्ट आंसर डी हो गया। यहाँ पे आए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल होता है और पूछे जाने की पॉसिबिलिटी इसकी हमेशा 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 बनी रहती है। पी बराबर अल्फा अपॉन बीटा है, ई की पावर माइनस का अल्फा जेड अपॉन के थीटा, पी प्रेशर, जेड डिस्टेंस, के वोल्ट में बता चुका हूँ। कहा गया है बीटा का डायमेंशन निकालना है, तो सबसे पहला काम यहाँ पे शुरुआत, जो सवाल की शुरुआत होगी कि अल्फा जेड अपॉन के थीटा होना चाहिए डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब हो गया वन। हमने यहाँ पे अल्फा का डायमेंशन निकाला और के हम लोग जानते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अभी हम लोगों ने पिछले सवाल का डायमेंशन निकाला हुआ है, तो अल्फा का डायमेंशन आ गया एम एल टी माइनस टू, और ये पूरा पार्ट होना चाहिए डायमेंशन लेस। तो p का जो डायमेंशन होगा वही होना चाहिए अल्फा अपॉन बीटा का, तो डायमेंशन में हमने इसको बराबर कर लिया, तो बीटा बराबर अल्फा अपॉन p, अल्फा का डायमेंशन रखा, p का डायमेंशन रखा, सॉल्व करने पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये पार्ट जो है ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, l2 वहीं पे आ रहा है और m नहीं है और t नहीं है। इस तरह से ऑप्शन ए हो गया। हमको समय बचाने की जितने भी
जुगत हो सकती है, जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सब के सब सोचने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे नॉलेज का पार्ट आता है थोड़ा सा नीचे, ऊपर आता है चालाकी का, कि हम कितना कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अटेंड कर सकते हैं और उनको उनसे नंबर ले सकते हैं। ध्यान रहे अभी अगले सवालों के लिए आप उनकी तैयार हो जाए। नॉर्थ देन 300 मीटर साउथ एंड देन 1200 मीटर अपवर्ड नेट डिस्प्लेसमेंट बताना है। यहाँ पे एक सवाल है, ये स्क्वायर है ए बी सी डी, ए पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द साइड्स ए बी बी सी सी डी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 25 मीटर विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, क्या होगा एवरेज वेलोसिटी? यहाँ से देखें वी वी अगर है तो स्पीड भी हो सकता है और वेलोसिटी भी हो सकता है, बार लगा है यानी कि एवरेज, एरो लगा है यानी कि वेक्टर यानी कि वेलोसिटी पूछा गया है। अगले सवाल को मैं पढ़ देता हूँ, ए स्टोन फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इक्वल्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट 3 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, द स्टोन रिमेन्स इन एयर फॉर 6 सेकेंड 5 सेकेंड 7 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। शुरू हो जाए, बहुत जल्दी आप लोगों को इसका सोल्यूशन मिलने वाला है। पहले हमको निकालना पड़ेगा सभी का वेक्टर, 400 मीटर नॉर्थ है यानी कि 400 जे कैप, 300 मीटर साउथ है यानी कि माइनस जे कैप, और फिर ये अपवर्ड है यानी कि के कैप, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना 100 जे प्लस 1200 के। मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका तो अंडर रूट में 100 स्क्वायर प्लस 1200 स्क्वायर, सॉल्व करने पे ये आ रहा है 1204.15 जो कि राउंड ऑफ करने पे 1200 मीटर आएगा। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। इस सवाल की खास बात यह है कि ये ए से चला है बी पे गया, बी से गया सी पे, सी से गया डी पे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, तो हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से डी के बीच का शॉर्टेस्ट हो जाएगा यानी कि ये एक स्क्वायर की जो है एक साइड हो जाएगी, दैट इज व्हाट 25 मीटर। टोटल टाइम निकालना है हमको, तो टोटल टाइम तो हमको यहीं से मिलेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, कहेंगे 25 25 25 यानी कि 75 और इसकी स्पीड हुआ करती थी 15, तो 25/5 8 मीटर के 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यहाँ आ जाए तो कहा जा रहा था कि किसी बॉडी को यह ड्रॉप किया गया है, ये फ्रीली फॉल कर रहा है, नीचे आ रहा है, और नीचे आने आने में कहा जा रहा है कि जो इसने पहले 3 सेकंड में दूरी तय करी थी वही दूरी हो रही है इसके लास्ट सेकंड में। हमने माना लास्ट सेकंड एनवा सेकंड है, और यहाँ पे हम फॉर्मूला जो लगाने जा रहे हैं वो u प्लस हाफ जी टू एन माइनस वन यानी कि फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहाँ पे यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाया है, और ये बताया है कि Sn बराबर एस थ्री, एस थ्री का मतलब फर्स्ट 3 सेकंड में चली गई दूरी, यहाँ पे 0 0 हाफ जी ये सब खत्म हो गए, 2n-1 बराबर 9 है, 2n = 10, n की वैल्यू 5 सेकंड, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगेन बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। नए दो सवाल आ गया आपके सामने, द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय अ मोटर बोट आफ्टर इट्स इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाय ए बराबर माइनस के बी क्यूब। कोई मोटर बोट चल रहा था, इंजन को बंद कर दिया गया क्योंकि डेस्टिनेशन आने वाला था, उस समय ये रिटार्डेशन इतना फीस कर रहा है, एक्सेलरेशन लिखा है लेकिन माइनस साइन लगा हुआ है, के कॉन्स्टेंट है, वी जीरो उस समय वेलोसिटी जबकि इंजन को कट ऑफ किया गया, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी ऑफ कट ऑफ, ये आपके ऑप्शन रहे। अगला सवाल है, बॉडी मूविंग विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रेवल्स 12 मीटर इन 3rd सेकंड और 20 मीटर 5वें सेकंड में, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, ये रहे आपके ऑप्शन। शुरू हो जाए आप लोग अटेम्प्ट करना, जल्द बहुत जल्दी आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अब सवाल का सोल्यूशन के लिए तैयार हो जाए बच्चों। यहाँ पे देखा गया था ए बराबर माइनस का के वी क्यूब, एक्सेलरेशन का फॉर्मेट लिखा मैंने डीवी अपॉन डीटी बराबर माइनस का के वी क्यूब, v को इधर ले आए क्योंकि यहाँ पे dv था, dv अपॉन v क्यूब बराबर माइनस का k dt कर दिया, दोनों साइड में इंटीग्रेट करने चले, लिमिट्स लगा दी गई 0 से t, और यहाँ पे जब 0 समय था तो वेलोसिटी v नॉट, जब समय t था तो वेलोसिटी v, v की पावर 3 है नीचे, ऊपर जाएगा तो v की पावर माइनस 3, इंटीग्रेट करेंगे तो v की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2, नीचे लाएंगे तो ये माइनस का 1 अपॉन 2 वी स्क्वायर, v नॉट v हो गया, माइनस का k t, माइनस माइनस कैंसिल, लिमिट यूज करेंगे तो 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वी नॉट स्क्वायर बराबर 2 के टी, 1 अपॉन वी स्क्वायर बराबर, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये रहा एंड द करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पे हमने इक्वेशन लगाई है एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1 दो बार, एक बार 3rd सेकंड के लिए जहां पे दूरी 12 है, एक बार 5वें सेकंड के लिए जहां पे दूरी 20 है, इस तरह से हमको दो इक्वेशन मिली है, इनको हमने सॉल्व किया तो यू बराबर 2 मीटर पर सेकंड,
a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड नाउ b इज इक्वल टू u प्लस 80 सॉल्व करने पे 42 मीटर पर सेकंड एंड द करेक्ट आंसर इज b राइट। फिर से आप लोग जो है रेडी हो जाए, आपके सामने जो है नए सवाल आने वाले हैं। यहाँ पे जो है ये दो सवाल हैं आपके पास और दो सवाल हो गए। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर और पोजीशन इसकी x बराबर 0 है एट t इज इक्वल टू 0, तो पूछ रहा है कि t बराबर 1 पे इसका डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा। दूसरा सवाल है पार्टिकल मूव्स अलोंग x एक्सिस और दे रखी गई इनिशियल पोजीशन t बराबर 0 पे x बराबर 0 है और वेलोसिटी जो है पोजीशन डिपेंडेंट है एंड इट इज गिवन एज v इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट x, अल्फा कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है कि टाइम के टर्म में ये कैसा होगा। और हाँ, इन सवालों के अलावा यहाँ पे दो बातें आपको और सिखानी थी, वो ये थी कि एक टाइप का सवाल बनता है कि किसी टॉप ऑफ द टावर से हमने किसी बॉडी को फेंका है ऊपर की तरफ को और ये आता है ग्राउंड पे विद इन टाइम टी वन, और फिर दूसरे और आगे सवाल बोलता है कि उसी स्पीड से लेकिन नीचे की तरफ को फेंका गया है और ये पहुंचता है ग्राउंड पे विद इन टाइम टी टू। तो सवाल ये कह रहा है कि जब इसको सिर्फ ड्रॉप कर दिया जाएगा सेम पोजिशन से तो ये कितने टाइम में पहुंचेगा। मान लिया जाए ये टी थ्री है तो रिलेशन है टी थ्री बराबर अंडर रूट टी वन टी टू। ये सवाल इसी फॉर्मेट में कई बार पूछा जा चुका है। अब आपको तैयार रहना चाहिए, यहाँ पे इनके न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है दे दी जाए, ये 9 सेकंड हो, ये 4 सेकंड हो, तो ये 36 अंडर रूट, ये 6 सेकंड आएगा। प्रोजेक्टाइल में दूसरा सवाल आएगा, हम लोग शायद जानते हैं इस बात को कि जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर थीटा हो और 90 माइनस थीटा हो तो रेंज की वैल्यू होती है सेम, लेकिन ये थीटा अगर 45 डिग्री नहीं होगा तो हाइट डिफरेंट होंगी। एक बार के लिए हाइट मान लिया जाए जो बॉडी ने गेन करी है वो H1 है, दूसरी बार में जो गेन करी है वो H2 है, तो रेंज की वैल्यू क्या होगी विल बी गिवन एज r इक्वल टू 4 अंडर रूट H1 H2। इन दोनों सवालों को आप लगाएं, आप लोगों को जो है नेक्स्ट पेज पे ही आप लोगों को इसका सोल्यूशन मिलेगा। इनका सोल्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं कि वेलोसिटी आपको गिवन है और आपको पहुंचना है पोजिशन पे। तो आप ये बात जानते हैं कि ये s हो गया, ये v हो गया, ये a हो गया, डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो, वेलोसिटी पे आना हो तो आपका रास्ता डिफरेंशियल का होके जाता है, वेलोसिटी दिया गया हो एक्सेलरेशन पे जाना है तो रास्ता डिफरेंशियल का होके जाता है, उल्टा अगर आना है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तो रास्ता इंटीग्रेशन का है और यहाँ पे भी रास्ता इंटीग्रेशन का है। तो यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी गई है, पोजिशन पे पहुंचना है, मैंने यहाँ पे वेलोसिटी को dx/dt रखा, dt को इधर ले गए, यहाँ पे रख करके इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट यहाँ पे 0 से 1 है, यहाँ पे 0 से x है। After integration and putting the limits, we are getting v0 plus g/2 plus f/3, which is option second. यहाँ पे आ जाएं, v बराबर अल्फा अंडर रूट x है, dx upon dt बराबर अल्फा अंडर रूट x, dx upon अंडर रूट x के वेरिएबल को सेपरेट कर लें, dx upon अंडर रूट x बराबर अल्फा dt, इसको रख करके अब इंटीग्रेट करेंगे तो हम पा रहे हैं x बराबर अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर by 2 और बाई 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, लेकिन हमसे यहाँ पे रिलेशन सिर्फ x का रिलेशन टी स्क्वायर के साथ पूछा गया, t के साथ पूछा गया है, तो x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर एंड द करेक्ट आंसर इज a। चार सवाल आपके पास फिर से सामने है। 5 फोर्सेस इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एक्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड एट ओरिजिन, 4 फोर्सेस आर F1 एंड अदर फोर्सेस F2, यानी कि 4 फोर्सेस, 5 में से F1 और बाकी बचा हुआ F2 है, फाइंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये रहे आपके ऑप्शन। दूसरा सवाल है, पेयर कैचेस अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड विद इन 0.1 सेकंड, यानी कि पकड़ने का समय 0.1 सेकंड होता है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन पेयर्स हैंड, ये रहे आपके ऑप्शन। और ये है फिगर, यहाँ पे ये पुली है और ये पुली का मास m है, पुली आइडियल लाइन, और ये मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और जिसके दूसरे एंड से कैपिटल M मास नीचे को लटक रहा है। पूछा गया है पुली P पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। अगला सवाल है, ए मैन स्लाइड्स डाउन ए लाइट रोप हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज नीटा टाइम्स हिज वेट, यानी कि वेट अगर आदमी का mg है तो डोरी के टूटने की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो है नीटा mg। सवाल है कि विद व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ही कैन एक्वायर, यहाँ पे ऊपर और नीचे जाने का आखिरी में जो है जिक्र इसलिए नहीं किया गया क्योंकि सवाल पहले से ही इस बात को पता के आ रहा है कि उसको नीचे को आना ही है, यानी कि मोशन का डायरेक्शन नीचे को है। अटेम्प्ट करें, कुछ समय ले लें, जो भी आपको लगता हो प्रॉपर है, शुरू करते हैं।
अब इस सवाल में यहाँ जहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे कोई सलूशन नहीं दिया है, और सच्चाई ये है कि अगर इस सवाल को पढ़ने के बाद अगर आपको जितनी बातें बताई गई हैं वो सब हिट नहीं करती हैं तो ये सवाल ही आपके लिए पर्याप्त है पूरा का पूरा पेपर का समय खा जाने के लिए। लेकिन अगर बातें आपको पता है याद है तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, कोई भी दम नहीं है। अब मैं बात को बताता हूँ कि कैसे ये सवाल लगेगा। मैंने आपको लॉ ऑफ पॉलीगन में बताया था कि सारे के सारे फोर्सेस आप जोड़ते चले जाइए, जब रिजल्टेंट आपको प्राप्त करना होगा तो उसी वैल्यू का होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर 10 फोर्सेस है तो 9 को हम एक ही डायरेक्शन में जोड़ते चले गए और जो रिजल्टेंट आएगा वो 10वां इन सब के बराबर का होगा और अपोजिट डायरेक्शन का होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 4-5 फोर्सेस में जो है 4 फोर्स जो है वो F2 के हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो F2 ही होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि एक फोर्स F2 हो गया और एक दूसरा फोर्स और लगा रखा है 5वां फोर्स F1, ये दोनों अपोजिट होंगे। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स F2-F1 होगा। हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया है F2-F1/N। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस सवाल में अगर पेन चला तो ये ना तो सवाल सॉल्व होने वाला है और आपका समय और भी खराब होने वाला है। यहाँ पे आ जाए तो यह देख सकते हैं F=ΔP/ΔT, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे बॉल आकर के खिलाड़ी के हाथ में रुक जाती है, इसलिए फाइनल मोमेंटम 0। इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम आ रहेगा ΔT। 150 ग्राम को kg में कन्वर्ट किया गया, 0.15 इंटू वेलोसिटी 20, और टाइम ऑफ रिएक्शन जो है 0.1 सेकेंड है, एंड F की वैल्यू -30 न्यूटन, यह वेक्टर फॉर्म में दे रखा गया है, मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन, करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पे आ जाए तो इस डोरी में टेंशन कितना होगा, कहेंगे सर ये mg होगा और इस स्मॉल m की वजह से और होगा डोरी में टेंशन, तो ये टेंशन का डायरेक्शन T=M+mg, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। पुली का वेट नीचे को लग रहा है mg, ये रहा इनका रिजल्टेंट, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हर हाल में रिजल्टेंट अंडर रूट x²+y² से निकलेगा, करेक्ट आंसर इज बी। यहाँ पे देख सकते हैं ये आदमी रहा, आदमी का वेट mg है और इसके ऊपर लगेगा टेंशन, और जिसकी वैल्यू है इसके वेट के नीटा टाइम्स, और डबल एरो जैसा कि सवाल पहले बता चुका है नीचे की तरफ को है, तो mg डोमिनेट करेगा नीटा mg पे, तो mg माइनस नीटा mg बराबर मास इंटू एक्सलेशन, A=g1-नीटा, करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। फिर से आपके पास जो है 3 सवाल आ गए हैं, भी अटेम्प्ट करिए। 2 वुडन ब्लॉक्स, ये दोनों वुडन ब्लॉक हैं, ये सरफेस स्मूथ है, सब कुछ स्मूथ है, और ये मूव कर रहा है राइट साइड को, इस पर फोर्स पी लगाया गया है, इसी की वजह पूछी गई है। और सवाल में जो खास बात है वो ये कि ये ब्लॉक हमेशा इस ट्रायंगुलर वेज से चिपका रहता है, रिलेटिवली रेस्ट में रहता है। दूसरा सवाल है, इसके लिए फिगर ही दे रखा गया है, ये एक एलिवेटर है विच इज मूविंग अप विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v, कीप इट इन माइंड इट इज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, और ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल जो है वो थीटा है, और ये इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करता है, और पूछा जा रहा है सवाल में कि यहाँ से यहाँ तक आने में यानी कि एल लंबाई तय करने में ब्लॉक को कितना समय लगेगा। और एक और सवाल आ रही है यहाँ पे, ये एक आइडियल पुली है, 2 ब्लॉक है मास स्मॉल और एम और कैपिटल एम के, और जहाँ पर रिलेशन भी दे रखा गया है कैपिटल एम बराबर 2m, कनेक्टेड बाई मीन्स ऑफ ए मेटल वायर, ये जो वायर है ये आइडियल स्ट्रिंग नहीं है, मेटल वायर है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, हालांकि इसके मास का जिक्र नहीं किया गया। पासिंग ओवर एन आइडियल पुली स्ट्रेस इन वायर इज, स्ट्रेस का फॉर्मूला आप लोग ना जानते हो तो मैं बता दूं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यहाँ पे लगेगा और ये होगा अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। शुरू हो जाए। सो रेडी फॉर द सॉल्यूशन। यहाँ पे देखें इस सवाल में कुछ बातें आप लोगों को बहुत अच्छे समझनी चाहिए। यहाँ पे रिलेटिवली जो है ये रेस्ट में है, रेस्ट में रहता है, तो इसलिए जो है यहाँ के एक रिजल्ट आता है वही उसको याद रखना चाहिए आपको, A=g tan beta, 2017 के नीट में ये सवाल पूछा गया है। इतने एक्सप्रेशन से इसको अगर हम फेंकेंगे राइट साइड में ले जाएंगे तो सीरो फोर्स इधर को लगेगा और ये ब्लॉक हटेगा नहीं और ये रिजल्ट आएगा A=g tan beta। कितना फोर्स लग रहा है, कहेंगे नेट मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट मास आप देख सकते हो पूरे सिस्टम का कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, एक्सेलरेशन ये रहा,
पी बराबर एम प्लस एम जी टैन बीटा। और हाँ, एक रिजल्ट के लिए आप और तैयार हो जाइए कि कितना एक्सलरेशन हो कि ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पिछले 5-6 सालों से कई बार पूछा जा चुका है कई एग्जाम में कि ये फ्री फॉल करे, ये स्मॉल एम फ्री फॉल करे। इसके लिए भी रिजल्ट याद कर लीजिएगा, ए बराबर जी कॉट बीटा। अगर स्मॉल एम को फ्री फॉल कराना है तो जी कॉट बीटा लगाने का मन हो तो तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा दैट मस्ट बी जीरो, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे चूंकि जो है ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जी को दो रिजॉल्व पार्ट में लाएंगे एंगल थीटा के सहारे, तो इधर को जी कॉस थीटा, इधर को जी साइन थीटा। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया गया है, तो एस हो गया एल और एक्सेलरेशन इफेक्टिव जी साइन थीटा टी स्क्वायर, टी बराबर अंडर रूट 2 एल अपॉन जी साइन थीटा इज द करेक्ट आंसर सी। यहाँ आ जाइए, हमसे स्ट्रेस पूछा गया है। इस डोरी में टेंशन, इस पुली के इस केस का खास नाम आप लोग जानते हो एटवुड मशीन होता है, एटवुड मशीन। यहाँ के दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टी बराबर ट्वाइस एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, और एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जी डेल्टा एम अपॉन सिग्मा एम। जी ऊपर को डिफरेंस ऑफ द मास, नीचे समेशन ऑफ द मास। हालांकि इस फॉर्मूले का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आपको बता दिया गया है, आपको शायद कभी काम आ जाए। टू एम वन एम टू, यहाँ पे एक मास 2m है एक मास m है। जी सॉल्व करने पे टेंशन की वैल्यू 4mg by 3 आ रहा है। स्ट्रेस का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स यहाँ पे 4mg अपॉन 3 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a हो गया। तो ये हुए सॉल्यूशन हमारे पास इन सवालों के। ये दो ब्लॉक का जो है प्रॉब्लम है, अभी इसके सॉल्यूशन में जो है मैं आप लोग को जो है बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग अटेंड करेंगे। यहाँ सवाल है 40 केजी स्लैब है, रेस्ट कर रहा है स्मूथ सरफेस पे और 10 केजी ब्लॉक इसके ऊपर रेस्ट में है, और यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.6 और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.4, और ऊपर वाला ब्लॉक जो है ये 100 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचा जा रहा है। जी की वैल्यू गिवन है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ध्यान दीजिएगा स्लैब का पूछा गया है नीचे वाले का। यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा गया है, ये पोजीशन के लिए है, ये टाइम के लिए है, 2, 4, 6, 8, 10 ये सब। ये पोजीशन है 2 मीटर के ऊपर ही है, एम मीटर लिखा हुआ है। और आगे सवाल पूछा जा रहा है कि हर एक, यह देखिए यहाँ पे जो है वेलोसिटी डायरेक्शन अपना बदल रहा है, डायरेक्शन यहाँ पे रिवर्स हो जा रहा है, तो हमेशा हर जगह पे इम्पल्स आ रहा है। तो सवाल कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स बताना है। ये सब इस सवाल में, ये एक हेवी स्फेरिकल बाउल है और यहाँ पे कोई इंसेक्ट है जो कि ऊपर को क्रॉल कर रहा है, धीमे धीमे सरकने को क्रॉलिंग बोलते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू जो है इस इंसेक्ट और इस हेमी स्फेरिकल बॉल के सरफेस के बीच में गिवन है 1/3। सवाल ये है कि अगर ये एंगल यहाँ पे अल्फा है तो कितनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए ये इंसेक्ट ऊपर को चढ़ता रह सकता है। अटेम्प्ट करिए, अभी आप लोगों को सोल्यूशन मिलने वाला है। अभी जो है 2 kg ब्लॉक वाले का प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरा बहुत ध्यान समझिए। इसके 3 केस बनते हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और अगर सवाल जब आता है सामने तो इसी ऑर्डर में चलेंगे तो सवाल लगेगा, अदरवाइज सवाल में आप फंस सकते हैं। सवाल ये है कि यहाँ पे ये एक स्लैब है, ये एक ब्लॉक है, और ये कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं, और इसको कोई फोर्स लगा के खींचा जा रहा है। ये पहला केस आप समझिए, इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, कहेंगे दिस फोर्स अपॉन दिस मास। कितने समय में ये नीचे को गिर पड़ेगा, कहेंगे ये डिस्टेंस s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम की वैल्यू अंडर रूट 2s अपॉन a, और a बराबर बताया था f अपॉन। अब अगली बात समझिए, दूसरा केस। अब आप इन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन है, ये केस सेकंड है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है तो आप मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालिए जो कि ऐसे निकलती। अब यहाँ पे ये अप्लाइड फोर्स और इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में कंपेयर करो, अगर ये वाला फोर्स इस वाले से कम है तो ये दोनों ब्लॉक चलेंगे एक साथ विद कॉमन एक्सेलरेशन, एंड उसकी वैल्यू होगी दिस फोर्स अपॉन दिस मास प्लस दिस मास। दोनों के बीच में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगा, जीरो। तीसरा केस जिस पे यहां पे हमने सवाल डाला है, अगर ये वाला फोर्स इन दोनों के बीच में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से
जो कि 60 न्यूटन है, ज्यादा है, 100 ज्यादा हो गया 60 न्यूटन से, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी। इस ब्लॉक को आगे चलना होगा कितने फोर्स से, कहेंगे 100 माइनस दिस फोर्स 60। अगर ऊपर वाले का एक्सेलरेशन पूछा गया होता तो 100 माइनस दिस फोर्स अपॉन में इसका मास, ये हमें मिलता क्या, एक्सेलरेशन। लेकिन सवाल के बिल्कुल आखिरी पायदान पे जो आज सवाल आता है वो पूछा गया है, इसका एक्सेलरेशन पूछा गया है। अब सवाल इस बात का है कि ये चलेगा ही क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स था जो कि इसके मोशन को ये अपोज कर रहा था, यहां पे वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कारण बनेगा इस 40 केजी के स्लैब का। तो यहां पे देखा गया कि जो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 60 न्यूटन है। अब चूंकि जब ये बात तय हो चुकी है कि इसको चलना ही चलना है, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हट जाएगा, रोल में आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। उसकी वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे आएगा ध्यान से देखें, म्यू के एम बी का मतलब ब्लॉक का मास इंटू जी बराबर मास इंटू मास ऑफ स्लैब, स्लैब का एक्सेलरेशन पूछा गया इंटू एक्सेलरेशन ऑफ स्लैब 0.4 10 इंटू 9.8 ये 40 इंटू एस पर करने पे 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। यहाँ पे देखा जाए वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, 2 सेकंड में वेलोसिटी ने अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लिया, चेंज इन मोमेंटम आ गया, क्योंकि मोमेंटम में इसके में जो है मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन बदलेगा तो भी मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो देखा जाए इस समय वेलोसिटी कितनी है, कहेंगे परपेंडिकुलर 2 बेस 2 कटा पीटा 1 मीटर पर सेकंड। डेल्टा पी कितना हो जाएगा, कहेंगे एम इंटू डेल्टा वी, मास हो जाएगा 0.4 गिवन है ये, और डेल्टा वी हो गया 2V 1 × 2.8 न्यूटन इंटू सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। यहाँ पे आ जाए, ये इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है, इसका नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से होके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये अगर ऊपर से नीचे आएगा तो ये म्यू एन इधर को चला जाएगा, एम जी ये लगा हुआ है, ये एंगल अल्फा करेस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से बराबर हो जाएंगे, एम जी का इधर पर रिजॉल्व पार्ट एम जी कॉस अल्फा, इधर को एम जी साइन अल्फा, म्यू एन इज बींग बैलेंस्ड बाई एम जी साइन अल्फा, n is being balanced by mg cos alpha, divide कर दिया तो 10 alpha, cot alpha की value 3 and the correct answer is first। ये रहे आपके पास कुछ सवाल और, तो देखें अटेंड करें। coordinates of moving particle at time t are given as x बराबर alpha t cube, y बराबर beta t cube, t time पे speed पूछी गई है। अगला सवाल है, projectile is given an initial velocity of i cap plus 2 j cap meter per second, जानते हैं i cap और j cap यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं। अगला सवाल है, ए वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर ऑल अराउंड इट, इफ स्पीड ऑफ वाटर इज वी, द टोटल एरिया अराउंड द फाउंटेन दैट गेट्स वेट इज, ऐसे फाउंटेन का पानी निकल रहा है जाकर के हर पॉसिबल डायरेक्शन में ग्राउंड पे गिर रहा है, कितना मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ये घेर सकता है। यहाँ पे 2 इंक्लाइंड प्लेन दे रखे गए हैं, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल 60, इसका 30, ये 2 ब्लॉक है ए और बी है, ये ऊपर से नीचे को गिर रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि बताइए रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन, रिलेटिव नॉट ओनली एक्सेलरेशन, रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, 4 ऑप्शन है, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वर्टिकल, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन। अटेम्प्ट करें, अभी अगले पेज पर आप लोगों को इसका सलूशन मिलने वाला है। चलिए आगे सलूशन पे आ जाइए, यहाँ पे एक्स और वाई दे रखे गए हैं इन टर्म्स ऑफ टी, इनको डिफरेंशियल करेंगे तो हम जानते हैं पहुंच जाएंगे वेलोसिटी पे। पहला डिफरेंशियल वेलोसिटी पहुंचाएगा, अगर एक्सेलरेशन पूछा गया होता तो हमको 2 बार डिफरेंशियल करना पड़ता, एक्स का डिफरेंशियल किया है तो हमको वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ही मिलेगा, यानी कि 3 अल्फा टी स्क्वायर, ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगी वाई एक्सिस पे वी वाई बराबर डी वाई अपॉन डी टी, 3 बीटा टी स्क्वायर, 2 वेक्टर दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट निकालना है, एकमात्र रास्ता अंडर रूट में फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, ऐसा करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर 4।
यहाँ आ जाए तो ये ध्यान से देखिए, तो ये वेलोसिटी x एक्सिस की है, इसका मतलब ये u cos थीटा है, ये u x है, ये u sin थीटा है, 2 है, यानी किसी को u y कहें, u x लिखा, u y लिखा, और यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा, जरा इस बात को जो है थोड़ा समझ लीजिए। sin 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, तो u square into 2 sin theta cos theta can be written as 2 into u sin theta into u cos theta upon g, 2 u cos theta ux हो गया, u sin theta uy हो गया, ये upon g। यहां से हमें रेंज की वैल्यू मिलने वाली है 2 into 1 into 2 upon 10 and the value is 2 by 5। हमें tan theta की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो ये मिलेगा uy upon ux करके, क्योंकि ये u sin थीटा है अपॉन में ये u cos थीटा है, तो डिवाइड किया तो 2 डिवाइड बाय 1 हमें मिला 1। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दो दो बताई हुई है, एक बड़ी है एक छोटी है। यहाँ पे मैं छोटी इक्वेशन लगा रहा हूँ, y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन r, r इज द रेंज जो कि हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, y बराबर x into tan थीटा की जगह पे 2 1 माइनस x और r की जगह पे निकाला था 2 by 5, तो 2 नीचे रहा 5 ऊपर रहा, 2x को अंदर ले जाइए, y बराबर 2x माइनस 5x स्क्वायर, आपको आंसर दे रहा है ये ऑप्शन नंबर बी। यहाँ आ जाए फाउंटेन से आप जब जो है लगाते हो तो यहाँ पे कहने वाली बात ही नहीं होती है कि पानी जो निकलेगा वो हम किस एंगल पे निकालना चाहेंगे। एक्चुअल में हमको उसका पर्पज है कि दूर दूर तक के पानी को फेंकना, तो ऑब्वियस है कि हमारी सेटिंग होगी कि हम उसको उससे पानी जो निकलवाएं 45 डिग्री पे ही निकलवाएं, और अगर मैक्सिमम एरिया की बात की गई है तो मैक्सिमम रेडियस मैक्सिमम रेंज की बात करनी पड़ेगी। थीटा बराबर 45 पे आर मैक्सिमम हो जाएगा, वेलोसिटी हमको वी दे रखी गई थी तो वी स्क्वायर अपॉन जी, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई वी की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर, एंड करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। ये बहुत टेक्निकल सवाल यहाँ पे दे रखा गया है। यहाँ पे जब हम इसका हमसे पूछा गया है कि फाइंड रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो जब वर्टिकल कहा गया है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाले अगर कोई भी ऑप्शन है तो उनके बारे में हमको सोचना ही नहीं चाहिए, अगर हम ऑप्शन के थ्रू सोच रहे हैं तो। तो जी का इधर को एक रिजॉल्व पड़ा रहेगा, जी कॉस थीटा जी साइन थीटा, और जब वर्टिकल कॉम्पोनेंट कहा गया है तो जी साइन थीटा का ही हमको फर्दर वर्टिकल कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा, यानी कि साइन थीटा और अटैच करेंगे तो ये जी साइन स्क्वायर थीटा आएगा। हमसे एब्सोल्यूट नहीं पूछा गया था, हमसे रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछा गया था, जो कि a विद रिस्पेक्ट टू b, यानी कि a के एक्सेलरेशन में से b के एक्सेलरेशन को हमको घटाना होगा, तो g sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30, सॉल्व करने पे 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर से एक बार कह दूं कि हमें ये वर्टिकल डायरेक्शन वाला ही चाहिए होगा। आप लोगों को बहुत खूब सारी प्रॉब्लम हम लोगों ने लगाई, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम हम लोगों ने लगाई है, और इसमें लॉज ऑफ मोशन भी था, इसमें वेक्टर भी था, इसमें प्रोजेक्टाइल भी था, इसमें मोशन इन बॉडी भी था, इसमें रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, डायमेंशन, यूनिट, सारी चीज़ों का डिस्कशन करने की कोशिश की गई। अगर फर्दर हमें और जो है ज़रूरत होती है, अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो हम लोग इसको जो है आखिरी में ही, क्योंकि अभी इसको बीच शेड्यूल टाइप में हम लोग इसको नहीं ले सकते हैं, लेकिन आखिरी में इसको दोबारा से और भी लिया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि जो है आप खूब प्रॉपरली अच्छे से काम कर रहे हैं तो। तो फिलहाल जो हमारा डे 5 था, यहाँ तक कि आपका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप लोगों को और कुछ भी कहना हो, जैसा कि आप अपने विचार रख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, हम उस पर भी काम कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी सोच सकते हैं। फिलहाल जो है आने वाले के लिए आप लोगों के लिए जो है विश यू ऑल द बेस्ट, आने वाले समय के लिए खूब अच्छा करियर हो आपका। थैंक यू।